कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 21-22 विषय विज्ञान के प्रश्नों को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पांचों रिक्त स्थान एक एक अंक का। इस तरह से बनता है 5 अंक। पहला रिक्त स्थान देखते हैं, मिट्टी का उपजाऊ परत का नष्ट होना खाली स्थान कहलाता है। इस रिक्त स्थान में आएगा मृदा अपरदन। दूसरा है, खाली स्थान के दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है। दूसरा खाली स्थान में आएगा ज्वलनशील गैसे के दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है। तीसरा है, खाली स्थान भंगुर होती है। तीसरा में आएगा आधातु में भंगुर होती है। चौथा है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष खाली स्थान को कहते हैं, तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक को कहते हैं। पांचवा, उत्कृष्ट धातुएं सामान्यतः खाली स्थान होती है, तो पांचवा में आएगा उत्कृष्ट धातुएं सामान्यतः निष्क्रिय होती है। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प चुनिए, जिनमें 5 प्रश्न है, 5ों में 4-4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से जो सही ऑप्शन है उसको टिक लगाना है। अब ये 5ों ही एक एक अंक कुल 5 अंक का बनता है। पहला है, शुष्क बर्फ है, इसका उत्तर है चौथा, ठोस CO2। दूसरा है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, इसका उत्तर है एक्रिलिको। तीसरा है, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, इसका सही ऑप्शन है चौथा, बुध। चौथा प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है, इसका सही ऑप्शन है चौथा, 20 से 20,000 हर्ट्ज। पांचवा देखते हैं, मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है, इसका सही ऑप्शन है तीसरा, प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है। प्रश्न तीसरा, उचित संबंध जोड़िए, 5 उचित संबंध है, जिनमें 5ों एक एक अंक, इस तरह से 5 अंक बनता है। तो पहला है ड्यूरोलोमीन, जिसका उचित संबंध बनेगा वायुयान के भाग। दूसरा है स्टेनलेस स्टील, इसका सही संबंध है शल्य चिकित्सा के उपकरण से। तीसरा है फास्फोरस, इसका सही संबंध है माचिस से। चौथा है क्लोरीन, इसका सही संबंध है जीवाणुनाशी से। पांचवा है सोना, सोना का सही संबंध होगा आभूषण से। इस तरह से उचित संबंध भी हो गया। प्रश्न चौथा देखते हैं, उदासनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए, ये 2 अंक का प्रश्न है। प्रश्न पांचवा, सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है। प्रश्न छठवा है, हमारे चारों ओर कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है। प्रश्न सातवा, लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न आठवा है, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का क्या कारण है, कोई 2 उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रश्न नौवा है, फलीदार पौधे मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाता है। इन वीडियो में जो जो प्रश्न बताया गया है, इन्हीं प्रश्नों को ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये अर्धवार्षिक परीक्षा का ही प्रश्न है, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कर लेंगे। प्रश्न दसवा देखते हैं, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर कैसे किया जाता है। प्रश्न ग्यारहवा है, पादप कोशिका या जंतु कोशिका का चित्र बनाकर कोशिकांगों के नाम लिखिए। जो प्रश्न है उनके अंक को भी देखना है, अंक जितना है उस हिसाब से इसका उत्तर लिखना चाहिए, इसी से अच्छे नंबर मिलता है। प्रश्न बारहवा है, यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो क्या होगा। प्रश्न तेरह है, वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखकर उसे रोकने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं लिखिए। अथवा 13 प्रश्न में अथवा है, या तो इसे बनाइए, या धातु और अधातु में भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर 3-3 अंतर लिखिए। प्रश्न 14 है, अपरूपता से आप क्या समझते हैं, कार्बन के विभिन्न अपरूप कौन कौन से हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। अथवा 2 प्रश्न है, इन दोनों में से दोनों को बनाना है। रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, ये पहला है। दूसरा है, आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है। प्रश्न 15 है, टिप्पणी लिखिए, पहला है माइटोकांड्रिया, दूसरा है सेंट्रोसोम, तो इन दोनों पर टिप्पणी लिखना है, इनके बारे में लिखना है। यदि ये याद नहीं है तो अथवा है, विषाणु अन्य जीवों की तुलना में विचित्र जीव क्यों कहलाते हैं, इनको लिखना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। हम आपके हेल्प के लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही।